नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं चर्चा होने जा रही है यहाँ पर कमोडिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज कमोडिटी बाजार कैसा खुला है और कमोडिटी में कहाँ पर मुनाफा कमा के चला जा सकता है, उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। शुरुआत करेंगे सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने चांदी से। तो सोने चांदी में कल को हमने देखा था कि बीते 2 से 3 दिनों से सोने चांदी की जो प्राइसेज हैं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही मार्केट्स में थोड़े नरम देखने को मिल रहे हैं, लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। वही नरमी के साथ कारोबार का सिलसिला सोने चांदी की कीमतों में आज भी जारी है। आज भी देख रहे हैं कि गुरुवार के दिन भी सोना गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। सबसे पहले बात की जाए अगर इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट की, तो इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में सोना देख रहे हैं $1877 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। कल के मुकाबले $11.50 की गिरावट है, यानी कि 0.5% की गिरावट सोने चांदी में सोने की कीमतों में देखने को मिल रही है। यहीं से बात करें चांदी की, तो चांदी में 0.25% की गिरावट है कल के मुकाबले और $23.19 पर ट्रेड करती नज़र आ रही है। आपको बता दें कि सोने चांदी में लगातार गिरावट इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि जो अमेरिकी फेडरल बैंक है, जो US फेड है, वो अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। यानी कि पहले तो 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी करी थी, अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि US फेड कम से कम 50 बेसिस पॉइंट्स की जो बढ़ोतरी है वो कर सकता है अपनी ब्याज दरों के अंदर। और अमेरिका में जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जो इन्फ्लेशन रेट है, वो पहले से ही 40 साल के उच्चतम स्तर पर है। यानी कि अमेरिका में जो महंगाई है वो 40 साल के उच्चतम स्तर पर पहले से ही देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर ब्याज दर में बढ़ोतरी होती है तो उसका असर सोने चांदी समेत कई चीज़ों पर पड़ सकता है। सोने चांदी की जो कीमतें हैं वो इसलिए अभी एक नरमी के साथ ट्रेड करती नज़र आ रही हैं। लेकिन सोने चांदी की जो प्राइसेज हैं वो ज़्यादा डाउन इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध की जो स्थिति है उसके मद्देनज़र सोने चांदी में एक सेफ हेवन डिमांड भी बनी हुई है, जिसकी वजह से एक सपोर्ट लेवल भी सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें देखने को मिल रहा है। सोने चांदी की जो प्राइसेज हैं उनको कहीं ना कहीं निचले स्तर पर सपोर्ट भी भरपूर मिल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, जिसकी वजह से जो प्राइसेज हैं अगर ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे हैं तो ज़्यादा नीचे की ओर भी नहीं जा पा रहे हैं। यानी कि अभी जो गोल्ड है वो ऐसी वॉलेटिलिटी के साथ कभी ऊपर तो कभी कुछ पॉइंट्स नीचे ऐसी ट्रेड करता रहेगा। लेकिन इस कारोबारी सप्ताह जानकारों का कहना है कि इस कारोबारी सप्ताह सोने चांदी के जो प्राइसेज हैं उसमें कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। और डोमेस्टिक मार्केट में देख रहे हैं कि सोना 0.5% की गिरावट के साथ 50,949 पर ट्रेड कर रहा है। वहीं आज 51,089 पर सोने का बाज़ार खुलता नज़र आया था MCX पर। यहीं से बात करें अगर चांदी की, तो सिल्वर का जुलाई वायदा देख रहे हैं 64,653 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, 64,576 पर खुला है और 1% की गिरावट है। सोने चांदी में देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट में भी आज गिरावट देखने को मिल रही है और ऐसी पूरी पूरी संभावना है कि सोने चांदी में आज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में ही जो गिरावट है अभी ये और गहराने वाली है। तो लेकिन अगर ओवरऑल कुल मिलाकर लंबी अवधि की बात की जाए तो इस 2022 के अंत तक सोने चांदी में पॉजिटिव ही रुझान है। साल अंत होते होते साल 2022 में गोल्ड और सिल्वर काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको कमवाते हुए नज़र आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिटर्न सोने चांदी की जो प्राइसेज हैं उसमें देखने को मिल सकता है। सोने में भी रिटर्न देखने को मिलेगा लेकिन सोने के मुकाबले चांदी की जो प्राइसेज हैं उनमें ज़्यादा बढ़त देखने को मिलेगी। तो चांदी जो है वो सोने से अच्छा रिटर्न देती नज़र आ सकती है साल के अंत होते होते। अभी हमने US डॉलर हुआ, डॉलर इंडेक्स हुआ, US ट्रेजरी यील्ड हुए, उनमें भी बढ़ोतरी बनते देखी है, जिसकी वजह से सोने चांदी की जो प्राइसेज हैं उनमें एक नरमी का रुख अभी हाल फिलहाल में ऐसे ही बना रहेगा। बात करेंगे अब यहाँ से कच्चे तेल की, तो WTI देख रहे हैं कि $100.50 पर ट्रेड कर रहा है, 0.5% की करेक्शन है। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल $103 पर ट्रेड कर रहा है 0.5% की करेक्शन के साथ। देख रहे हैं कि कच्चा तेल, WTI और ब्रेंट दोनों ही लाल निशान के साथ ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि चाइना में जो लॉकडाउन लगा हुआ है, हालांकि बीच में कुछ पाबंदियों में ढील भी दी गई है, जिसकी वजह से कुछ जो बिजनेसेस हैं उनमें थोड़ी रनिंग देखने को मिली है, बिजनेस थोड़े अब चालू हैं चाइना में। लेकिन जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा है वो स्थिति अभी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। तो जो बिज़नेस की जो गतिविधियां हैं, व्यापार की जो गतिविधियां हैं, हलचल है, वो चाइना में अभी भी इतनी देखने को नहीं मिल रही है। दूसरा, अभी बीच ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है कि जो चाइना की जो गवर्नमेंट है
वो अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए, अर्थव्यवस्था में कुछ अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक स्टीमुलस पैकेज यानी एक राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है, जिससे चाइना की जो इकोनॉमी है उसको बल मिलेगा। तो ऐसे में कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो क्रूड की जो डिमांड है उस दौरान थोड़ी बढ़ जाए, लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि चाइना में कोरोना के जो केसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं या कम रहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग लॉकडाउन की स्थिति रहेगी और उसी के अकॉर्डिंग आगे बिजनेस रन होने से क्रूड की चाइना की ओर से डिमांड निकलती सामने आएगी। अभी फिलहाल चाइना की ओर से क्रूड की डिमांड इतनी देखने को नहीं मिल रही है। यहीं से रशिया ने पोलैंड और बल्गेरिया पर अपनी नेचुरल गैस और अपने क्रूड को सप्लाई नहीं करेगा। रशिया ने पोलैंड और बल्गेरिया पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया है। वहीं यूरोप ने भी कहा था कि वो रशिया से जितना कम हो सकेगा नेचुरल गैस और क्रूड उतना कम खरीदेगा, और साल अंत होते होते हो सकता है कि जो खरीदी है उसको पूरी तरह से बंद ही कर दे। इसकी वजह से हमने कच्चे तेल के जो प्राइसेज हैं उनमें बढ़ोतरी आते हुए देखी थी। तो सोने चांदी का बाजार, कच्चे तेल का बाजार और बेस मेटल्स का बाजार अब यहाँ से कैसा रह सकता है, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीबी पर। रूपा शुक्रिया। जी, कच्चा तेल देख रहे हैं कि WTI फिर से $100 के आसपास निकला है और ब्रेंट $103 पर। रूपा जी, देख रहे हैं कि कच्चा तेल 2 दिन 1-2 डॉलर की बढ़त दिखा देता है, फिर तीसरे चौथे दिन में ऊपरी स्तर से गिरावट आ जाती है। आपको क्या लगता है कच्चे तेल में उठा पटक का ये जो सिलसिला है ये कब तक जारी रहेगा, और ऐसे ही सिचुएशन के अंदर कच्चे तेल में वो क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे कच्चे तेल में अच्छा मुनाफा कमाया जा सके? इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सुनेगी देखने को मिल रहा है उसके जैसे काफी उठा पटक का माहौल है। फिलहाल के लिए देखिए वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाना चाहिए, क्योंकि लगातार मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि काफी अनप्रडिक्टेबल चीजें देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से क्रूड जो रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है और बाजार नीचे आते हैं तो वहां पर हो सकता है कि बाइंग की रणनीति देखने को मिले। लेकिन फिलहाल के लिए जो रेंज बाउंड देखने को मिल रही है डोमेस्टिक मार्केट में 7,600 से लेकर 7,800 तक की रेंज जो है वो देखने को मिल सकती है। आप देखिए जो हम बात कर रहे थे क्रूड की, $90 नीचे में डाउन साइड है, तो ऊपर में $108 $110 मैक्सिमम अपसाइड तक जा सकता है। वही आज इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में आज प्रेशर है और मार्केट नीचे में एकदम $98 से $95 तक जा सकता है। तो मुझे लगता है कि क्रूड में अगर शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी बनानी हो इंट्राडे तो इसे दिवाली करके चला जा सकता है, अदरवाइज थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अप्लाई कर सकता है। जी, यहीं से रूपा जी, गोल्ड और सिल्वर में क्या लगता है आपको? देख रहे हैं कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट दोनों ही जगह गोल्ड और सिल्वर की जो प्राइसेस हैं आज और नरमी के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सोने चांदी में नई पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा और रुक जाएं, या फिर जो लेवल्स हैं इन पर भी नई पोजीशन बनाई जा सकती है? देखिए आप भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए गोल्ड ने $1,880 का लेवल नीचे भी ब्रेक कर दिया, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि $1,880 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। आज हमें वहां पर भी गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है, आप यहाँ से हो सकता है कि $1,860 तक की गिरावट बढ़ती हुई नजर आए, तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और सेलिंग में जाया जा सकता है, नो डाउट थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे रहा है, तो अभी नीचे में 50,800 लग रहा है कि देखने को मिल सकता है, 100 से 150 पॉइंट की करेक्शन अभी फिलहाल सोने में बनती हुई नजर आ सकती है। वही चांदी में भी और छोटी गिरावट बनी रह सकती है, 64,800 से लेकर 64,500 तक नीचे के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी, यहीं से रूपा जी, बेस मेटल्स में क्या लगता है आपको, वो कौन से बेस मेटल्स होंगे जिनमें अभी भी अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए अभी सभी नॉन एग्री कमोडिटीज में प्रेशर है और सभी कमोडिटीज इतनी स्तरों पर दबाव दिखाती हुई नजर आ रही है, तो फिलहाल के लिए खरीदारी की तरफ से किसी भी कमोडिटी अभी फिलहाल बिकवाली का स्तर जो है वो बना हुआ है, और या यूं कहें कि उतनी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई नजर आ रही है। बेस मेटल्स में भी गिरावट है, लॉन्ग टर्म अभी भी मैं ये बोलूंगी कि पॉजिटिव है मार्केट नो डाउट, लेकिन शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग से देखा जाए तो करेक्शन बढ़ सकती है। जिंक जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे थे 360 तक आ सकता है, इसके बाद नीचे रुका है और अब यहाँ से 348 तक की करेक्शन जो है एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकती है। जिंक के साथ साथ कॉपर भी 780 से लेकर 760 तक नीचे हो सकता है कि एक बार आता हुआ दिखाई दे, अगर अगेन 800 के ऊपर निकलता है तो फिर एक लंबी तेजी में जाता हुआ नजर आता है। जी रूपा जी, आज के लिए नॉन एग्री में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप? देखिए मेरे हिसाब से आज दिवाली में रहना चाहिए, सोने चांदी में आज दिवाली क्या करके चला जा सकता है, दूध में भी आज गिरावट की जा सकती है, यानी कि इन स्तरों पर दिवाली करके चला जा सकता है।
जी, तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमिटीज़ की। फिलहाल सिलसिला बाजारों का हमें अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबर लगातार ही आती रहेंगी मार्केट एमसीबी पर।